हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। बाय द वे गाइस, अब हम बैठे हैं बाहर, तो टाइम हो रहा है 10:30। तो आज मैं लेट उठा हूँ, 9:30 बजे उठा हूँ, क्योंकि मैं रात को 1 बजे सोया था अपने वीडियो एडिट करके अपलोड करके। तो मैंने सोचा कि यार सुबह क्यों अपलोड करूँ, रात को वीडियो एडिट करके अपलोड कर दूँ, इसीलिए तो मैंने वो ड्राइंग कम्प्लीट नहीं किया। तो अब थोड़ी देर में कम्प्लीट करते हैं। तो हमने ना मावा और घेवर का डब्बा खाली कर दिया है। एक मावा का डब्बा तो है ना, जो कल पिंकी दीदी लाई थी खाली, और घेवर का डब्बा है ना कल सुबह लाया था ललित, सॉरी शाम को लाया था, वो भी खाली। तो हम चारों ने मिलकर खाली कर दी। पापा इसे ठीक कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये देख लो, ये वाला टूट चुका है, ये पूरा टूट कर ने तोड़ दिया पापा ने। क्यों काट दिया? ओए बच गया मेरा पैर। बच गया भाई, बच गया। अच्छा इसके अंदर था क्या? ये क्या है क्या ना, पंखा टूट गया था ना, तो इसको ना खुल नहीं पाया नट, इसीलिए। अरे भाई तेरा सरस था। फाइनली टाइम हो रहा है 12:30, तो मैं बैठ रहा हूँ ड्राइंग पे, अपनी वो वाली ड्राइंग पहले कंप्लीट कर लेते हैं। वाला फोन तो ललित लेगा, तब तक मैं पापा का फोन ले लेता हूँ, लाइफ वाला। उसमें ना ड्राइंग मैंने ले लिया फोटो उसकी, तो उससे बनेंगे हम। फाइनली गाइस, मेरा अपना काम पूरा हो चुका है, ड्राइंग मैंने कंप्लीट कर लिया पूरी की पूरी। टाइम हो रहा है अभी 3:30, तो देख लो ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है मेरी, लगभग 3 से 3.5 घंटे लग चुके हैं। तो आपको दिखाता हूँ, बहुत बढ़िया बनी है यार। तो ये देख लो किस टाइप की ड्राइंग, अपने कैरेमिनाटी है अजय नगर की। तो अगर पसंद आई तो लाइक कर देना। फाइनली मेरा ननियाल जाने का प्लान कैंसिल हो चुका है, तो अब हम जाएंगे बेर पे, मैं और मम्मी, ललित नहीं चल रहा है, ठीक है, तो हम दो ही जाएंगे। आज 3-4 दिनों बाद मोटो ब्लॉग बनेगा, तो बहुत मजा आएगा भाई। तो अपना हेलमेट ले लेते हैं और चलते हैं अपने ब्लॉग बनाने के लिए, मोटो ब्लॉग। तो चलो चलते हैं। आज बहुत दिनों बाद मोटो ब्लॉग बनेगा भाई। आज कड़क धूप होता है ना, ये बहुत बढ़िया गया है यार। तो हम गेट के पास तो आ ही गए। हेलमेट तो यहाँ पे रख दिया है, और यहाँ पे आज खतरनाक वाली हवा चल रही है, देख लो बहुत खतरनाक वाली हवा चल रही है। मम्मी तो चली भी गई, मैं हेलमेट रख रहा था, तब तक चल चलते हैं वहाँ भी। देखो इतना दूर चली गई है मम्मी, तो चल चलते हैं यार, यहीं से है ना रास्ता है। ए भाई काटे काटे भाई काटे, खतरनाक वाली रख दिया। तो देखो अभी देख, हमारे यहाँ पे ऐसी खेती है, अब इसमें क्या कमाएंगे यार, क्या बोलो यार। अभी ये देखो, अभी ये भी सूखने लगे, देखो है कि नहीं, अब भी बोल सकते हो हाँ भाई सूखने लगे। ये देखो इस टाइप के हाल हो चुके हैं, हर खेती का हाल यही है। तो भगवान प्लीज अभी तो बारिश कर दे। ये वाला हमारे खेत है, यहाँ से लगा कर वहाँ पे वो पत्थर पड़े हैं, वहाँ तक पूरा खेत हमारा है। देख लो इनकी खेती के बदौलत हमारी खेती बढ़िया है। हमारे क्या यार, पूरे भारत देश में या कहीं पे भी हो यार, खेती जो है ना इस बार सही से हो जाए यार। तो प्लीज यार भगवान इतना काम कर दो यार, बारिश कर दो यार, सभी किसानों के ना मुँह पे ना मुस्कुराहट आ जाएगी वापस, मैं ये देखना चाहता हूँ यार। तो अभी सभी ब्रेक करो यार। मैंने खाने के लिए छंद ले लिया है, तो ये हरी सब्जी है, बहुत बढ़िया वो भाई। तो कोई बात नहीं, और अभी मम्मी जा रहे हैं कंकड़े लाने, जो यहाँ पे लगते हैं वो भी खाने की चीज़ होती है, हरी सब्जी में ही आती है। तो मम्मी चढ़ चुकी है पत्थरों पे चढ़ चुका हूँ, तो खतरनाक वाला सीन है यहाँ पे। ये देखो ये वाली कंकड़े की बेल है यहाँ पे, पर इसको लगे हुए नहीं है। देखो ये कंकड़े के फूल है, पर लगे हुए नहीं है, पता नहीं, मेरे को लगता है कोई लेगा यार। ये गलत बात है भाई, दूसरे के खेतों में से लेके जाना, वो भी बिना पूछे, गलत बात भाई, गलत बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो मम्मी वहाँ पर चढ़ चुकी है, देख लो आगे की तरफ कैसे बढ़ रही है, ध्यान से मम्मी ध्यान से। हाँ मैंने भी इस बाल पे ना चढ़कर कंकड़े तोड़ लिए और मम्मी को दे दिए, तो मम्मी ने अपनी झोली भी ले लिए। तो चलते हैं बेरे पे, तो काटे बहुत है यार। मम्मी ऐसे 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 हो रही है। तो अब हम आ चुके हैं अपने गाड़ी के पास, तो अब चलो चलते हैं यार। मम्मी तो आगे फिर से चली गई, तो चलो भाई हम तो आ गए यहाँ पे, यहाँ का व्यू भी देख लो। यहाँ पे देख लो कितनी सारी ड्रैगन फ्लाई फिर रही है, तो देख लो ये वाली, तो हमारे महाराष्ट्र में इन्हें है ना हेलीकॉप्टर। बहुत सारे फिर रहे हैं यहाँ पे, बहुत सारे उड़ रहे हैं, देख लो पता नहीं कहाँ से आए, पर बहुत सारे उड़ रहे हैं। मम्मी तो सीधे बाड़े में चली गई। मैंने पानी तो भर लिया है, पर इसके अंदर एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देख लो इसके अंदर कई जगह जड़ें आ चुकी थी, तो मम्मी ने निकाल दी है पापा ने मिलकर। तो ये वाली कद्दू की बेल है, तो इन्हें तुम्बे भी कहते हैं हमारे मारवाड़ी में। हम चलते हैं,
वहाँ पे छतों में। मैं यहीं पे पानी के टैंक पे बैठा हूँ, तो यहाँ से पानी भर भर के दे रहा हूँ मम्मी को, और मम्मी बाल्टी से ना उन पौधों में डाल के आ रही है, अपने बाड़े वाले पौधे में। तो ये देख लो सभी को पानी पिला दिया है यहाँ पे तो, और एक बाल्टी पानी है ना वहाँ पे लेके जाना है अपने बाड़े में, वहाँ पे भी है ना पौधे हैं वहीं पे डालेंगे। तो मम्मी तो आते ही है ना पहले चारा पाड़ने लग गई। तो यहाँ पे ये छोटा सा है, ये आम का है, और ये नीम का है, और ये इतना बड़ा शेंगा का पेड़ है ये वाला, और ये नीमड़ी है, अपनी खारी वाली है, और ये मीठी वाली है कड़ी पत्ता। हमारे यहाँ पे देख लो तुलसी ऐसे ही उग रही है, जैसे कि कोई ऐसे चारा उग रहा है ना जिस टाइप से। देख लो ये तुलसी, ये तुलसी, ये तुलसी, ये तुलसी मन में ही। हमने थोड़ी मूंग यहीं पे रख दिया घर पे ले जाने के लिए, ठीक है। और अब चलते हैं उस तरफ, देखते हैं क्या हाल है दूसरे खेतों के हमारे। तो यहाँ पे ना ये लकड़ी रखी हुई है, जिससे ना अगर कोई ना जानवर अंदर ना आ जाए, गाय या कोई भी है वो अंदर ना आ जाए। तो ये भी हमारे ही खेत है यहाँ से वहाँ तक पूरा, तो इसमें यार इतना कुछ है नहीं, गवार भी है ना बहुत कम आया हुआ है। तो अब हम जा रहे हैं वहाँ पे खेत में, जो वो भी हमारा खेत है। तो पिछली वीडियो में कहा था कि हम उस खेत में चलेंगे, तो ये वाले खेत ही है, ठीक है। तो मम्मी तो आगे चली जा रही है, मम्मी आगे आगे बहुत जा रही है आज, मम्मी बहुत जल्दी जल्दी में लग रही है, जल्दी जल्दी है ना जो भी काम हो पूरा कम्प्लीट। दूसरे खेतों के मुताबिक तो ये वाला खेत हमारे बढ़िया है, यहाँ पे कुछ पौधे खाए हुए हैं। देख लो ये जेबरा की है ना एक प्रजाति आती है, उन्होंने खाए हैं, तो उसे यहाँ पे है ना रोजड़ा खाया जाता है, तो उन्होंने खा लिए। कई कई जगह खाए हुए हैं, उस तरफ भी है, उस तरफ भी है, वहाँ पे भी है, तो कई जगह खाए हुए हैं। तो यार नुकसान हो रहा है ऐसे तो, यार क्या करें यार समझ में नहीं आता। मामी सा और सुशीला भी आ गए हैं यहाँ पे, इनका भी यहाँ पे खेत बोया हुआ है, ठीक है। तो वो भी जा रहे हैं अपने खेत में देखने के लिए कि क्या हालचाल है। मैं तो अपने गाड़ी के पास जा रहा हूँ यार, मम्मी तो यहाँ से वहाँ, इस यहाँ से वहाँ खेतों में फिरा रही। मम्मी भी आ चुके हैं, तो अब चलते हैं यार दियाबती करने के लिए। मौसम देख लो यार कितना प्यारा हो रखा है यहाँ पे, मतलब आज मौसम साफ है पूरा का पूरा, यही है बादल और थोड़े बहुत यहाँ पे है बस, बाकी वो पूरा मौसम साफ है। तो हम तो चलते हैं दियाबती करने के लिए। मम्मी यहाँ पे है ना पैसे दे के आ रही है, बड़ी के पैसे दे के आ रही है। ओ भाई साहब पूरे गायों का झुंड है यहाँ पे, तो पापा तो सोया है। मूंग की दाल पूरी है ना डिक्की में हो चुकी है, क्योंकि है ना जो प्लास्टिक की थैली थी ना मूंग की दाल की, वो है ना इसके अंदर ही फूट गई, क्या है कि यहाँ पे अट गई ना इसलिए, तो ये यहाँ पे पूरी मूंग की दाल अंदर हो गई। तो मम्मी ये निकालेगी, तब तक हम लेके आएंगे कांदे, आज पकौड़ी बनाएंगे भाई पकौड़ी। हमारे घर में पकौड़े बनना स्टार्ट हो चुके हैं, तो ये कहना टेस्टी है भाई। ललित भाई साहब दही पकौड़ी के साथ खा रहे हैं तो दही के साथ हम भी टेस्ट करते हैं किस टाइप का है। हरी चटनी दे ठीक है। हम लोगों ने पकौड़ी तो खा ली है, थोड़ी देर में खाना भी खाएंगे, खाने में है खिचड़ी जाएगा। फाइनली गाइस खाना खा लिया है, तो पेट फुल भर चुका है भाई, उल्टा ज्यादा खा लिया आज तो। अब वीडियो एडिट कर रहा हूँ, वीडियो एडिट करने तब तक एक बज जाएगा, और उस समय अपलोड भी कर दूंगा। अब सो जाते हैं और तो क्या, सुबह आराम से उठेंगे, लेट नाइट सो रहा हूँ ना इसीलिए सुबह आराम से उठेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो एंड करता हूँ, आई होप आज का वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।